एंडेमिक डिसीजेज आर दोज डिसीज इन विच अक्रेंस और फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिसीज इज यूजल वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग डिसीज कितनी होगी किसी पॉपुलेशन में या किसी जियोग्राफिकल एरिया में. दैट डिसीज इज एंडेमिक डिसीज, जो उस पॉपुलेशन में हमेशा बनी रहती है. यूजल अक्रेंस, यूजल फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिसीज. वॉट इज हाइपर एंडेमिक? हाइपर एंडेमिक मीन्स इंक्रीज फ्रिक्वेंसी और इंक्रीज प्रिवेलेंस ऑफ अ डिसीज इन ऑल एज ग्रुप. दैट इज हाइपर एंडेमिक. रिमेंबर, ऑल एज ग्रुप. It differs from holoendemic in which we take in account those age group which are earlier age group, means childhood or adulthood. तो holoendemic क्या होता है? Holoendemic means usual frequency of a disease in early childhood or in adulthood. That is holoendemic. That is the difference between endemic, hyperendemic and holoendemic. Remember, in endemic diseases, the curve never touches the baselines. यानी कि जो है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसीज और अकरेंस ऑफ डिसीज, दैट इज नेवर जीरो. मींस कुछ ना कुछ केसेस उस पॉपुलेशन में हमेशा बने रहेंगे जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. एंडेमिक, एपिडेमिक, ये दोनों अलग होते हैं. एपिडेमिक मतलब अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अनएक्सपेक्टेड अकरेंस, बहुत ज्यादा जितना कि हमने सोचा भी नहीं था, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक.